दांत एक ऐसी समस्या जो आज के समय में एक प्रकार से महामारी का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि इसके रोगियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसका अंदाजा लगा पाना भी संभव नहीं है। दांत दरअसल एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में डर्मेटोफाइटोसिस या फिर टीनिया के नाम से जाना जाता है। यह न केवल त्वचा में हो सकता है, बल्कि यह हमारे नाखूनों, जीभ और सिर की त्वचा को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि यह एक प्रकार का संक्रमण रोग है, इसी कारण यह एक दूसरे के संपर्क में आने पर तेजी से फैलता है, और जब यह फंगस हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करके उसे प्रभावित करने का प्रयत्न करता है, और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति इससे शीघ्र ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। और एक बार यदि कोई इसकी चपेट में आ जाए तो उसका पीछा यह आसानी से नहीं छोड़ता, क्योंकि यह फंगस त्वचा में रहना पसंद करता है और उसी से अपना आहार लेता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। इसी कारण इसे यदि सबसे ढीठ बीमारियों में से एक बीमारी कहा जाए तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पर अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी के चपेट में आ गया है तो उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस बीमारी से जड़ से छुटकारा पाने का इलाज भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, पर उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर इसके होने के पीछे कारण क्या क्या है। पर इससे पहले दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में आप में से एक दर्शक ने हमसे पूछा था कि वजन कम करने के लिए हम अपने खान पान में क्या क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं जिससे हमारा मोटापा दूर हो। तो दर्शकों, इसके लिए आपको अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होगा और साथ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी होगी, भी आपको अपने वजन में कमी दिखाई देना प्रारंभ होगा। इसी के साथ आप त्रिकटू गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना प्रारंभ कर दीजिए। यह प्रयोग भी काफी तेजी से वजन घटाने में सहायक है। तो दोस्तों, यदि आपके मन में भी किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, चाहे वह इस वीडियो से रिलेटेड हो या ना हो, हम अगले वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। सबसे पहला कारण, किसी संक्रमित व्यक्ति, जीव, पानी या भोजन आदि के संपर्क में आना। यदि किसी व्यक्ति को दांत खाज से संबंधित परेशानी है और अन्य कोई व्यक्ति उसकी चीजों का प्रयोग करता है तो काफी अधिक संभावना है कि वह व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ जाएगा। दूसरा कारण, फंगस को गर्म और नम स्थान पसंद है, इसी कारण पसीने वाली जगहों पर यह काफी तेजी से फैलता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी बीमारी के चलते या फिर किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन करने के चलते कमजोर हो गई है तो वह व्यक्ति भी काफी जल्दी इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। दांत में आमतौर पर लाल, हल्के गुलाबी रंग के गोल चकत्तों के आकार के छोटी छोटी उभरी हुई फुंसियां बनती हैं और उनमें खुजली भी बहुत ज्यादा चलती है। कई बार ज्यादा खुजलाने के पश्चात वहां से पारदर्शी द्रव निकलने लग जाता है और जब यह द्रव अन्य किसी स्थान पर लगता है तो वहां भी यह संक्रमण को फैलाकर दांत बढ़ा देता है। वहीं कुछ व्यक्तियों को सूखे दांत होते हैं। अब जानते हैं कि इस रोग से मुक्ति किस प्रकार पाई जाए। यदि कोई भी व्यक्ति इस रोग से मुक्ति पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात, खुले हवादार सूती वस्त्र पहने, अधिक पसीना लेकर आने वाले तंग वस्त्र ना पहने। दूसरी बात, स्नान के लिए एक अच्छे एंटी फंगल साबुन का प्रयोग करें। इस साबुन का प्रयोग इस समस्या से मुक्ति पाने के कम 3 से 6 महीने बाद तक करते रहना है। तीसरी बात, रोज कपड़े बदले। अपने कपड़ों को धोते समय पानी में थोड़ा सा डिटोल मिलाकर कपड़े धोए और फिर उन्हें धूप में सुखाएं। चौथी बात, अपने भोजन में मिर्च मसाले, ज्यादा खट्टी, ज्यादा मीठी चीजों का प्रयोग ना करें। इन चीजों का प्रयोग करने से आपके रोग में तो कोई वृद्धि नहीं होगी, परंतु इन चीजों का प्रयोग आपकी खुजली को अवश्य बढ़ा देगा और यदि खुजली अधिक चलेगी तो नाखूनों के साथ इन्फेक्शन भी अधिक फैलेगा। अब जानते हैं अत्यंत आसान परंतु अत्यंत असरदार नुस्खों के बारे में, जिनका प्रयोग कर आप इस रोग से अवश्य ही मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। परंतु उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह प्रयोग मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नहीं है।
इसके लिए आपको 1 से 1.5 ग्राम भुना जीरा लेना है। उसके अंदर 10 ग्राम के करीब मिश्री मिलाकर उसे अच्छे से पीस लें। अब उसके अंदर नींबू का रस मिला लें और फिर रोजाना सुबह शाम कम से कम 40 दिनों तक आप इसका प्रयोग करें। इसी के साथ आप नारियल के तेल में कपूर को अच्छे से मिला लें। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको भीमसेनी कपूर का ही प्रयोग करना है। पर अब इस तेल को प्रभावित स्थान पर लगाएं। यह दोनों प्रयोग आपको एक साथ प्रारंभ करने हैं और कम से कम 40 दिनों तक आपको इनका लगातार प्रयोग करना है। आपको जो भी लाभ प्राप्त होगा वो परमानेंट लाभ होगा, ना कि एलोपैथिक दवाइयों की तरह टेम्पररी। इसके अलावा और भी अन्य कई घरेलू नुस्खों का प्रयोग कर आप इस रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उन नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। हम अपने आने वाले अगले वीडियोस में आपके लिए ढेर सारे असरदार नुस्खे लेकर आएंगे, यदि आप चाहेंगे तो। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।